हेलो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर एक नई अपडेट मिली है जो कि आपकी रेलवे की तरफ से अपडेट आई है। यदि आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं रेलवे में तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इसमें दोस्तों आपको पदों की बात करें तो 570 पद है और ये दो आप ट्रेड अप्रेंटिसशिप के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। ये पश्चिम मध्य रेलवे WCR के तरफ से ये आपकी वैकेंसी आ रही है और दोस्तों इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं वो ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जिसमें इसमें टोटल जो पद है 570 पद है और यहाँ पर जो योग्यता मांगी गई है 10वीं प्लस ITI, अर्थात आप 10वीं पास है और ITI पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसकी अंतिम तिथि रखी गई है 15/3/2020 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। तो चलिए दोस्तों हम पूरी बात करते हैं पूरे डिटेल से, क्या इसमें कितनी वैकेंसी है, किस ट्रेड के लिए कितनी वैकेंसी है, कितने इसमें आपको अप्लाई करने का फीस लगेगा, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों वीडियो को आप अंत तक देखिएगा और अभी से आप इस वीडियो पर एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी वाले आइकन को भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर साफ साफ लिखा गया है पश्चिमी मध्य रेल। और यहां पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया 3/2/2020 को जारी किया गया, जो मैं आपको इसी डेट के अनुसार बता रहा हूं। और जो इसकी ओपनिंग डेट है, डेट की फॉर्म अप्लाई करने की, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15/2/2020 ये अप्लाई करने की डेट है और क्लोजिंग डेट की यहाँ पर बात करें तो 15/3/2020 से अर्थात 15 मार्च 2020 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। और इसका जॉब लोकेशन की बात करें दोस्तों तो ये भोपाल की इसका जॉब लोकेशन रखा गया है। चलिए यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करके बात करें तो यहाँ पर बात करें यदि पोस्ट की तो इसमें 570 टोटल पोस्ट दिए गए हैं। चलिए हम नीचे आते हैं, योग्यता की बात करें तो यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों जो योग्यता लिखी गई है यहाँ पर शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता, तो अभ्यर्थी जिन्होंने मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या समकक्ष परीक्षा अर्थात 10+2 परीक्षा प्रणाली में न्यूनतम 50% अंकों को साथ उत्तीर्ण तथा संबंधित रेट में ITI उत्तीर्ण है NCBT SCBT, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो कैंडिडेट NCBT या SCBT किसी भी आप से हो, ठीक है, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बात करें यदि यहाँ पर योग्यता की तो यदि आपके हाई स्कूल मार्कशीट में 50% है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो ITI के कैंडिडेट हैं उनकी ट्रेड की, किस ट्रेड में कितनी वैकेंसियां निकाली गई है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर शैक्षिक योग्यता है और यहाँ पर आपकी ट्रेड का नाम मेंशन किया गया है। तो इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो ST वालों के लिए यहाँ पर 10 है, SC वालों के लिए 21 है और OBC के लिए 37 है और EWS के लिए 14 है और UR के लिए 56 है और टोटल जो इसमें वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन के लिए 138 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। यहीं बात करें दोस्तों यदि फीटर की तो यहाँ पर देख सकते हैं SC वालों के लिए 17 है, ST वालों के लिए 9 है, OBC के लिए 31 है और EWS के लिए 12 है और UR की बात करें तो यहाँ पर 47 निकाली गई है और टोटल जो वैकेंसी की बात करें फीटर की तो 116 है। चलिए वायरमैन की देख लीजिए, वायरमैन की सबसे कम यहाँ पर दी गई है, SC के लिए 5 है, ST के लिए 2 है और OBC के लिए 8 है और EWS के लिए 3 है और UR के लिए 12 और टोटल जो इसमें वैकेंसी है 30 वैकेंसी निकाली गई है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर वेल्डर वालों के लिए भी निकाले गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने कैटेगरी वाइज और यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट वालों को भी अपना देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों और भी यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई और भी ट्रेड के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई लेकिन जो इसमें शैक्षिक योग्यता मांगी गई सब में सेम रखी गई, अर्थात यदि आप NCBT से हो चाहे SCBT से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने हाई स्कूल में 50% मार्क लाया है तो ध्यान रखिएगा इन बातों को। और यहाँ पर दोस्तों क्रम वाइज अपना ट्रेड देख सकते हैं, इसका आपको नोटिफिकेशन भी मैं दे दूंगा, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हर एक कोई भी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आती है या कोई भी नई जानकारी आती है अप्रेंटिसशिप या रोजगार मेला या कैंपस सर्वेक्षण से जानकारी तो मैं आपको वहाँ पर एक नोटिफिकेशन के जरिए दे देता हूँ ताकि आपको पता भी चल सके। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और जानकारी की, तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करें आयु सीमा की कि इसमें कितना उम्र मांगा गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उम्र का यहाँ पर लिखा गया है आयु सीमा, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले में लिखा गया है कि अधिसूचना दिनांक 3/2/2020 को आवेदन 15 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी चाहिए, अर्थात ये जो आपका काउंट होगा 3/2/2020 से काउंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको यहाँ 15 वर्ष से 24 ईयर के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जैसे हर एक फॉर्म में आपको छूट दिया जाता है सेम वहाँ पर भी प्रोसेस दिया जाएगा SC ST वालों के लिए और OBC वालों के लिए यहाँ पर छूट भी रखी गई है। और बात करें दोस्तों इसकी पेमेंट की कि कितना आपको फीस देना पड़ेगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं आवेदन शुल्क के रूप में आपको 100 रुपया, पोर्टल शुल्क जो इसकी पोर्टल वेबसाइट शुल्क है वो आपको 70 रुपया, मतलब कि टोटल आपको 170 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और जो भी इसके अंतर्गत जितने भी आते हैं
जनरल और ओबीसी के छोड़कर सबके लिए कोई भी फीस यहाँ पर नहीं रखी गई है, ठीक है। महिलाओं के लिए भी यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ और भी जानकारी, जैसे कि इसको आवेदन कैसे करना, अप्लाई इस फॉर्म को आप कैसा करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इच्छुक पात्र अर्थात लिखा गया कि जो भी कैंडिडेट इसकी इच्छा रखते हैं फॉर्म को अप्लाई करने के, सबसे पहले यहाँ पर mponline.gov.in आप जाएंगे, इस वेबसाइट पर होम पेज पर जाकर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, या अप्रेंटिसशिप की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दोस्तों जैसे ही आप नीचे आता है स्क्रॉल करके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर अलग तरीके से यहाँ पर दिया गया है कि जो भी कैंडिडेट, यदि मान लो बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत होता है कि आपका जो आधार नेम अर्थात कोई भी आईडी है उसमें आपका नाम दूसरा है, और यहाँ पर जो अंक पत्र है यदि आपका हाई स्कूल का हो या ITI का हो आपका अलग है, तो आप वो लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम, पिता का नाम, नाम, स्वयं की जन्मतिथि, दसवीं या प्रमाण पत्र और अन्य समकक्ष के दर्ज जानकारी समान होगा चाहिए। अर्थात इनका कहने का मतलब है कि जो भी आपके मार्कशीट में नाम है वही आपके आईडी पर भी नाम होना चाहिए, ठीक है, कोई भी डिफरेंट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों दिया गया कि यदि उम्मीदवार एक ही ट्रेड के लिए एक से अधिक आवेदन अलग अलग विवरणों के साथ भिन्न भिन्न ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर के साथ भरने पर ऐसे उम्मीदवार का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अर्थात बहुत सारे लोग कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो SC BT से भी किए हुए और NC BT से, ठीक है। मान लीजिए SC BT से उन्होंने फीटर से किया और NC BT से यहाँ पर आप अलग से यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को यहाँ पर दोनों से यदि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, SC BT और NC BT से कर दिए हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, जो यहाँ पर साफ साफ जानकारी दी गई है। और यदि चयन की प्रक्रिया बात करें दोस्तों कि आपको सिलेक्शन कैसे होगा, तो सभी लोग जानते हैं कि जो अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकालती है वो मेरिट बेस पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 10वीं पे प्राप्त अंक पत्र और ITI के अंक पत्र के अनुसार आपका एक मेरिट बनेगा और उसके अनुसार आपका चयन प्रक्रिया चालू होगा। तो यहाँ पर दोस्तों यही जानकारी लेके आया था। यदि आपको जानकारी पसंद आती है तो जानकारी पसंद आने पर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ घंटी वाला आइकन का दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें हमारी हर एक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।